नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल बहरी का 28 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल बहरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपके शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रखा गया। आपको बताना कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रखा गया। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा रानी कमलावती। क्या है? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के हबीबगंज का नाम परिवर्तित करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चांदी की वस्तु में हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है क्योंकि। आपसे प्रश्न पूछा गया है, चांदी की वस्तु में हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है क्योंकि। देखिए, चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर, यह जो आपका सल्फर है, सल्फाइड लेप बनाते हैं। क्या चांदी हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर सल्फाइड का लेप बना लेती है। ठीक है, जिसके क्या चांदी की वस्तु में कुछ समय बाद काली पड़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 3 फरवरी 1928। क्या है? 3 फरवरी 1928। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संपत्ति के अधिकार को क्या, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया। आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 300 में। क्या है? अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। देखिए, आप जो 44वें संविधान, क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ। देखिए, द्वारा संपत्ति, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए, जो आपका मौलिक अधिकार, आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों में पहले क्या है, जो आपका जो संपत्ति का अधिकार आता था। लेकिन जैसे आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो इसको क्या कहते हैं, संपत्ति, जो आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है, आपसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में किया जाता है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 5 में। क्या? भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 124 से 147 के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चाक का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बताना कि चाक का फॉर्मूला क्या होता है। चाक का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। चाक का फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, चाक का फॉर्मूला क्या होता है, चाक का फॉर्मूला होता है आपका CaCO3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत के पहले लोकपाल कौन बने। आपको बताना है भारत के पहले लोकपाल कौन बने। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। क्या? पिनाकी चंद्र घोष जो आपके भारत के पहले लोकपाल बने हैं। क्या? लोकपाल बने हैं। दोस्तों, ये थे आपके 28 मई। क्या? ये थे आपके 28 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। क्या है? फर्स्ट शिफ्ट जो आपको पेपर हुआ उसके क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद, क्लास को लाइक, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर करें। अगर आप लोगों इस शिफ्ट में आपका पेपर था, आपको कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। हम लोग मिलते हैं नई शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।